नमस्कार, आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज और मैं हूं काजल आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट पर। फिलहाल युवाओं में विभिन्न कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं का क्रेज है। हालांकि बैंकिंग हो या रेलवे, यूपीएससी हो या एमपीएससी, इन सभी परीक्षाओं में सक्सेस रेशो काफी कम है और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है प्रॉपर गाइडेंस की कमी। इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आर्यभट्ट अकेडमी की स्थापना की गई है। फिलहाल नागपुर में ऐसी बेहद कम संस्थाएं हैं जो क्वालिटी बेस्ड चेकिंग देने का काम करती है। ऐसे में आर्यभट्ट अकेडमी ठीक इसी राह पर चलने का कार्य कर रही है। हिंगना रोड परिसर में स्थित इस अकेडमी के उद्घाटन समारोह में कांग्रेस नेता एवं नगर सेवक प्रफुल्ल गुर्दे, नागपुर महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और अपनी प्रतिक्रियाएं भी व्यक्त की। ये जो एरिया है ये नागपुर सिटी का एक फ्लैग एंड है। इसके बाद तो हमारा पूरा रूरल एरिया शुरू होता है, लेकिन इट इज़ वेरी डेंसली पॉपुलेटेड। अगर ये हिंगना तालुका यहाँ से सामने से शुरू हो जाता है, लेकिन वहाँ के यहाँ काफ़ी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस है। वहाँ प्रियदर्शन इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ YCC है, वहाँ मेडिकल कॉलेज है, वहाँ फार्मेसी कॉलेज है, वहाँ लॉ कॉलेजेस है। ये सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स वैसे भी इस एरिया से गुजरते हैं, तो उनका जो फीडबैक मिलना चाहिए उसके लिए ये बहुत अच्छा लोकेशन है। जहाँ पर ये आर्यभट्ट जैसी अच्छी इंस्टीट्यूशन आई है, तो आशा करता हूँ कि हमारे बच्चों को इसका बहुत यूज़ हो और एक अच्छे स्टूडेंट्स इसमें से तैयार हो, अच्छे कंपटीशन में वो सफल हो रहे हैं। ये सब हम लोगों को इस इंस्टीट्यूशन से अपेक्षा है। नहीं, ऐसा नहीं कि यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बच्चे तैयार नहीं होते। यहाँ भी हमारे यहाँ MPSC जो है, मतलब महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए काफ़ी इंस्टीट्यूशंस है जो तैयार कर रहे हैं। थोड़ा सा हमारा जो बचपन से ही उनको जो दिशाएं उनके गुरु की तरफ से या उनके फैमिली की तरफ से मिलती है, उसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के थ्रू जो गवर्नमेंट ऑफिसेस में बैठते हैं उस पोस्ट का उनको अभी उतना अट्रैक्शन नहीं है। हम लोग 10वीं 12वीं के बच्चों का जब मेरिट स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेते हैं रिजल्ट निकलने के बाद, सभी लोग कहते हैं मुझे IIT जाना है, मुझे इंजीनियर करना है, मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से मेडिसिन करना है। बहुत कम, मतलब 100 में से ऐसे एक आध स्टूडेंट होता है जो कहता है कि हमें IAS करना है, मुझे UPSC पास करके IPS ऑफिसर बनना है, सबसे ऊँची अहदे पर जाना है। ये बहुत कम लोग कहते हैं। तो हमको थोड़ा सा उसमें फैमिली या जो ये सब जो सेटअप है इसमें भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को कौन से सपने देखना चाहिए। वो सपने देखने में पेरेंट्स और जो गुरु होते हैं इनका बहुत अहम इम्पोर्टेंट रोल होता है। या अगर हम बच्चों को ये सपने दिखाएंगे तो ही वो इस तरह जाएंगे। तो मेरी ऐसे इंस्टीट्यूशन से ऐसे ही इच्छा रहेंगे कि बच्चों को थोड़ा सा, जैसे आप यहाँ पर 10th से ही क्लासेस शुरू कर दे रहे, तो 10th में अगर उनके माइंड में सेटअप हो जाए कि नहीं मुझे एक अच्छा सीनियर पुलिस ऑफिसर बनना है, IPS ऑफिसर बनना है, मुझे फॉरेन ऑफिसर बनना है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जाना है, तो वो उस तरह से एक जिद पकड़ के उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को फेस करेंगे तो अच्छा रिजल्ट जरूर आएगा। मतलब 100 लोग अगर IAS हो रहे तो 2 लोगों को डायरेक्ट एंट्री कर दी, ये इट डजेंट मैटर फॉर द कॉम्पिटिटिव अवेयरनेस। उनके भी वही एक्सपेक्टेशंस है जो, क्योंकि सभी तरह अभी कॉम्पिटिटिव ज़माना आ गया, तो एक ही स्केल से पढ़े हुए लोग सेक्रेटरी तक जैसे जाते हैं, तो अगर उसी के लेवल पे IQ रहने वाले, दूसरे फील्ड में अच्छा एक्सपोजर रहने वाले लोगों को अगर 1% 2% लोगों को अगर इसमें एंट्री कर लेते हैं, तो उसमें कोई नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होने की संभावना नहीं है। अच्छे लोग हमें एक्सपीरियंस वाले उसमें मिलना है। यही शायद इच्छा है पॉलिटिशियंस की भी। साथ साथ में हमारे यहाँ जैसे आप बोल रहे कि UPSC और इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, बच्चे दूसरी तरफ मतलब दिल्ली वैली में जाके पढ़ते हैं, तो विदर्भ इज़ अ हब ऑफ सेंट्रल इंडिया। जैसी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कुछ भाग आंध्र प्रदेश का, इन सब के लिए नागपुर इतना अच्छा कन्वीनियंट सेंटर है। अगर आप जैसे कुछ इंस्टीट्यूशन ने इसमें प्रोफेशनल्स ज़्यादा लाए तो यू विल गेट अ गुड आउटपुट ऑफ इट, गुड स्टूडेंट्स यहाँ पर मिलेंगे। जैसे दिल्ली सेंटर हो गया है वहाँ नॉर्थ इंडिया के लिए, पुणे सेंटर हो गया हमारे लिए वेस्टर्न महाराष्ट्र के लिए, वैसे नागपुर सेंट्रल हो सकता है सेंट्रल इंडिया के लिए। तो यहाँ आप जैसे बड़ी इंस्टीट्यूशंस, आर्यभट्ट जैसी बड़ी इंस्टीट्यूशंस आके, उन्होंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बहुत ज़्यादा कोशिश करना चाहिए, तो यू विल गेट अ गुड रिजल्ट ऑफ इट। हमारे परिसर में ये एकेडमी जो शुरू की है
संजय भाऊ पकिड्डे ने, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस परिसर के बच्चों के पढ़ाई के लिए एक एकेडमी बहुत महत्वपूर्ण रहेगी और घर के बाजू में ये फैसिलिटी एमपीएससी प्रिपरेशन रहे, यूपीएससी रहे या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की जो भी प्रिपरेशन है उसके लिए हमारे परिसर में ऐसी कोई एकेडमी नहीं थी, बहुत दूर जाना पड़ता था। मुझे लगता है कि इस एकेडमी से बच्चों का निश्चित तौर पर बड़ा फ़ायदा होगा। नहीं, वो फैसिलिटी नहीं थी महाराष्ट्र में पढ़ाई के लिए, इंजीनियरिंग या मेडिकल यही एम होता था, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना ये कुछ बच्चों का एम नहीं रहता था। उसके पीछे की वजह भी ऐसी थी कि वो फैसिलिटी या वो कोचिंग, उस टाइप की फैसिलिटी न होने के कारण उतना झुकाव नहीं रहता था। वो यूपी या बिहार या मध्य प्रदेश, वहाँ के बच्चों का ज़्यादा झुकाव उधर रहता था क्योंकि वहाँ उधर फैसिलिटी उनके पास, दिल्ली नज़दीक होने से उनको फैसिलिटी अधिक मिलती थी। इसके साथ ही एकेडमी के फाउंडर मेंबर बालकृष्ण कामले ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की और बताया कि इस एकेडमी के उद्घाटन के पीछे क्या उद्देश्य है। नमस्कार, मेरा नाम बालकृष्ण कामले और अभी हमने अपना एकेडमी खोला आर्यभट्ट एकेडमी और ये उन कोर्सेज के ऊपर में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं जिसकी फैसिलिटी नागपुर में बहुत कम है या जिसके लिए बच्चे पुणे या बॉम्बे या दूसरी जगह भी जाते हैं। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि एकेडमिक जो आठवीं नौवीं दसवीं है या उसके आगे भी है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हम वो क्वालिटी एजुकेशन दे पाए जो नागपुर में अभी उस लेवल का अवेलेबल नहीं है। मैं साथ में एक कौटिल्य एकेडमी जो है भोपाल की और उनके जो संचालक है मिस्टर राहुल रंगारे, उनका भी धन्यवाद अदा करूँगा कि जिसमें उनकी वो प्रेरणा, उनका प्रोत्साहन, जिसके वजह से यह सब संभव हो पाया है। मैं राहुल रंगारे, आज यहाँ आर्यभट्ट एकेडमी नागपुर में जिसकी शुरुआत हुई है, आर्यभट्ट एकेडमी में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बच्चों को पढ़ाया जाएगा। यहाँ पीएससी, एमपीएससी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की सभी बैंकिंग, रेलवे के विषय में यहाँ पर पढ़ाई होगी। उन बच्चों के लिए बहुत सहूलियत होगी जो बच्चे दूसरे अन्य शहर में जाते थे, पुणे और बॉम्बे की ओर जाते थे। मैं माननीय कामड़े साहब, बालू कामड़े जी और संजय पखड्डे जी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। आपने इस एकेडमी की शुरुआत की, मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आर्यभट्ट एकेडमी की ओर से किए जा रहे इस प्रयास की काफी प्रशंसा की जा रही है। आशा है आगामी दिनों में इस प्रयास को सफलता प्राप्त होगी। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज। खबरों की और भी जानकारी के लिए आज ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।